उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने बिलाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाट टीम ने दिल्ली से बिलाल को दबोचा है। दिल्ली से लाने के दौरान आरोपी बिलाल ने सिकंदराबाद क्षेत्र में सिपाही पर हमला कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसका कुछ दूर पीछा किया और फिर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका चालान करने की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बीते दिन एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें बिलाल ने खानपुर थाना प्रभारी नरेश शर्मा से बातचीत करते हुए थाने के ही उपनिरीक्षक के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने बिलाल की तलाश शुरू की, जिसमें पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और उसने बिलाल को दिल्ली में दबोच लिया। न्यूज़ डेस्क।